ए पीछे का स्क्रीन बंद कर, पहले पीछे का स्क्रीन बंद कर, बच्चे लोगों को पहले भगाने दे। ए बच्चे लोग पहले गलती हो। हाँ मजा आ रहा है ना देख के, इधर मजा आ रहा ना देख करके, हट जाऊँ क्या? मजा आ रहा है, मजे लो, बताता हूँ तुमको। पता है ये थंबनेल देख के वही बंदे आए हैं जो सनी मियाँ के फैन हैं। कौन से सनी मियाँ बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? बच्चों कट लो इधर से, चलो एकदम कट लो। और इस वाले वीडियो में जाकर के तो मैं टोपा सॉरी कॉपा, हाँ कॉपा ही बोलते हैं ना यार, कॉपा सेलेक्ट करूँगा। दिस इज नॉट फॉर किड। YouTube का नया अपडेट आया ना डालूंगा, क्योंकि ये भाई ये जो थंबनेल देख करके आया हो ना, सच बता रहा हूँ, तुम लोग सनी मियाँ के फैन हो। सनी मियाँ के फैन हो बोल करके तो आया हो थंबनेल देख करके। देखने को मिलेगी, मैं रोस्ट करने वाला हूँ। किसके बारे में मालूम है? गंदी बात। मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग कर रहे हैं गंदी बात यार। हेलो गाइस, क्या आप भी रात की तन्हाई में जा करके अंधेरे में अपना डार्क मोड ऑन करके, अबे मोबाइल का डार्क मोड ऑन करके कुछ ऐसी वैसी वाली चीज़ें देखते हैं क्या? गंदी बात देखते हैं क्या? हट साला, ऐसा लग रहा ना वायग्रा बेच रहा हूँ। ओ भाई गंदी बात देखते हो ना यार, ये एकता कपूर को उठाओ यार, उठाओ उठाओ कुछ तो करके उठाओ। नाना पाटेकर नहीं हूँ मैं, नाना पाटेकर क्या बोल रहा हूँ मैं, नाना पाटेकर नहीं हूँ, ऐसे ही आत्मा आ गया था मेरे अंदर में। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एकता कपूर को मैं बता रहा हूँ यार। मतलब एक तरफ तो सीरियल दिखा करके मतलब सभ्य बहू किसको कहते हैं, सभ्य परिवार किसको कहते हैं, और दूसरी तरफ में यार ऑल्ट बालाजी में आ करके तुम क्या बताऊँ यार, आई एम टोटली स्पीचलेस कि ये गंदी बात के जो सीज़न 1 आते हैं, सीज़न 2 आते हैं, सीज़न 3 आते हैं, सीज़न 4 आते हैं, और इनका बस चले एक दिन आएगा सीज़न 100। अबे सीज़न 4 तक में तो यार बिना इसके दिखाई दिया, मतलब समझ रहे हो हाँ, 30 रुपये वाला अंडर गारमेंट्स पहना करके लेडीज़ को, नहीं समझ में आ रहा है। अबे मुझे गंदा अगर बोला ना किसी ने कि गंदी गंदी सोच है, तुम देखने वाले भी गंदे गंदे सोच ही लेकर के तो देखते हो। उन व्यूवर्स को कह रहा हूँ जो गंदी बात दबा करके देखते हैं ना, उनका अकल तो गया है तेल लेने के लिए। मतलब तुम्हारा ध्यान तो सीधा रहता है A4 पता नहीं किस चीज़ पे, हाँ पर साला उसमें साला 30 रुपये वाला अंडरगारमेंट पहना करके रखते हो, और वो अंडरगारमेंट जैसे बलून के जैसे फुला रहता है, और उसको देख करके पता नहीं A4 क्या देख रहे होते हो। और B4 में जो दिखा रहे होते ना कि B4 पता नहीं क्या होता है ना, वो B4 में B4 में 60 रुपये वाला आइटम होता है भाई, 60 रुपये वाला, वो जो सड़क पे बेच रहे होते हैं ना, हाँ जो तुम अपने ही पार्टनर के लिए अपनी आइटम के लिए लेने के लिए जाते हो, वो वाला देखा ना जरूर, वो वाला वैसा करके जो लेते हो ना भैया, उधर ही का है वो, कोई अच्छे जगह से नहीं लिया हुआ रहता है, मेरे को तो देख के समझ में आ जाता है। लेकिन तुम लोगों की ठरक इतनी हाई लेवल की है ना भाई, कि तुम लोगों को बस सीजन 1, 2, 3, 4 देखने में बिजी हो, हाँ कि कौन कौन सी नई नई आइटम आएंगे। यार बाय द वे ये उन लोगों को देख के ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा जिन्होंने कभी भी लौंडिया को उस हालत में नहीं देखा। मतलब साला ये बॉडी होते है क्या? अबे आंटियों की बॉडी लेकर के तुम्हारा ना उत्तेजना बढ़ाया जा रहा है, उत्तेजना सही हिंदी बोला क्या यार, उत्तेजना बढ़ाया जा रहा है तुम्हारा। मतलब पता है ना जिस्म के कौन से हिस्से को तुम खुजाने पे मजबूर हो जाते हो, कौन से हिस्से को? अबे ऐसी ऐसी चीज देख करके सच बता रहा हूं, सबसे बड़ा बेशरम तो मैं हूं। एक बार साला मैंने टीवी पे लगा के देखा, 30 सेकंड के अंदर में बंद करना पड़ गया, तो सीरियसली। और किसी को अगर नहीं पता हो ना, तो कभी ऑल्ट बालाजी का ना टाइटल उठाओ और जा करके टैग जहाँ पे चेक किया जाता है ना, मेटा टैग में जा करके डालो उसको, और वहाँ पे देखो वहाँ पे क्या निकल कर आता है। पता है साला कीवर्ड्स में क्या डालती हैं ये, हाँ ऑल्ट बालाजी एकता कपूर कॉन्सेप्ट वाले क्या डालते हैं, XXX, हाँ साला दिखा तो रहे हो सॉफ्ट पॉर्न लिखते हो XXX, मतलब व्यूवर्स के साथ में हुतिया। और मैं सोच रहा हूँ कौन है साला जो यूट्यूब पे जा करके लिख रहा होता है XXX, कौन है भाई? मतलब इतना भी अकल नहीं है देखने वालों की कि भाई YouTube में XXX तो नहीं दिखता है। अरे देखना है तो जाकर के XXX पे जाके देखो ना यार, HD क्वालिटी 1080p पे भी आ रहा है, और आने वाले टाइम पे 4K और 3D में घुस जाना अंदर में। और एक बात बताओ, ये साला ये तो हो गई व्यूवर्स की कहानी, अब मैं बात करता हूँ मेन गंदी बात पे। गंदी बात मैं करूँगा नहीं, गंदी बात के बारे में बता रहा हूँ। ये गंदी बात के अंदर में पहले तो दिखाएंगे दबा के दे पेलम पाल, और उसके बाद से यार ये होदम पट्टी के बाद, ये जो होदम पट्टी दिखाते हैं होदम पट्टी के फौरन बाद में साला कहानी ऐसा क्यों घूम जाता है अबे, हाँ कि तुम्हारी दोस्त की अम्मा ही जो है तुम्हारे साथ में ले रही है, क्यों
हाँ नहीं वो छोड़ो यार, ससुरा के साथ में लगे पड़े हैं, बहुरिया के साथ में लगे पड़े हैं, जीजा साली के साथ में लगे, साला एक तरफ में हिंदुस्तान का सभ्यता सिखा रहे हो, दूसरे साइड में बता रहे हो कि साला तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हो, मतलब तुम्हें रात का अगर खाना पूरा ना पड़ा हो तो सुबह नाश्ता से काम चला सकते हो, ये कौन सा हुतियाप है बे। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, ये तो सीजन 4 मतलब इतना हाइप था ना भाई कि मेरा तो मतलब भाई मैं तो सच बता रहा हूँ, ट्रेलर देख के ही ना मैंने तो भाई फ़ोन घुमा दिया था, हेलो करते हैं आज बातचीत, रोमांटिक कोजी फीलिंग वाला काम करते हैं, कुछ ज़्यादा अंदर मत जाओ, समझ में आ रहा है। तो भाई ट्रेलर इतना खतरनाक था, और सबसे बड़ी बात जब भी साला मैं ट्रेलर देखता हूँ इनका बड़ा ढांसू होता है, पता है ढांसू, अबे घंटा, ट्रेलर की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ट्रेलर के नीचे मैं कभी कमेंट सेक्शन पे जाना, कमेंट सेक्शन पे जा करके देखना भैया लोग क्या क्या लिख रहे हैं, मतलब लौंडा कह रहा था हम आए थे थोड़ा यहाँ पे मोटिवेट होने के लिए, तुमने ऐसा दिखा के तो हमें डीमोटिवेट कर दिया, अभी हाथ दुखेगा बहुत ज़्यादा। सीरियसली कमेंट है ये, मैं नहीं कह रहा हूँ, कमेंट्स है, नीचे और जाओ तो नीचे में जा करके कहता है कुछ दिन के बाद में तुम ट्रिपल एक्स क्यों नहीं बना देती, थोड़ा तो बनाओ यार हमें मजा आएगा। उसके बाद नीचे में जाएंगे तो अंकल लोग 65 वाले अंकल लोग कह रहे थे ओहो एकदम मजा ही आ गया, मतलब संभोग की बात की जा रही है तो मजा ही आ गया मुझे तो। सीरियसली कमेंट्स में जा करके माँ कसम ऐसा लगता है कि मैं एक बार बन जाऊँ हिंदुस्तानी भाव, और बनने के बाद मैं तेरी बेड़ का तेरे ही उड़े सब बोल दूँ यार सब, और उन लोगों को तो खास करके बोलूँ सालों जो कमेंट देख करके मजे तो लिए हो अब नीचे में जा करके गंदी गंदी चीज़ें लिख रहे हो, उनके लिए एक ही चीज़ है मेरे लिए, पता है क्या, निकल बेड़ के पकौड़े पहले फुर्सत में निकल। हाँ साला ये सीज़न 4 यकीन मानो अगर तुम लोगों ने ना इस चीज़ के बारे में बोला कि पार्ट 2 बनाओ, मैं सीज़न 1 भी देखूंगा, सीज़न 2 भी देखूंगा, सीज़न 3 भी देखूंगा, वैसे भी मुझे देखने का शौक नहीं है क्योंकि मैं ट्रिपल एक्स नहीं सिंगल एक्स का फ़ैन हूँ, और सिंगल एक्स भाई देख करके सही है, मतलब वो तो झंझट ही ख़त्म, मतलब ऐसे ऐसे करके देखो ऐसे ऐसे करके देखो, मतलब दिख तो कुछ भी नहीं रहा होता है फिर भी तुम्हारा मतलब मचान कर रहे होते ये लोग, तुम साले अपने अलग अलग चीज़ अलग अलग हिस्सों में जा करके उंगली कर रहे होते, भाई कुछ तो हो भाई कुछ तो हो, सीधा जाओ ना यार जा करके सनी मियाँ को देखो ना यार, हद दे। हाँ तो चलो यार, गंदी बात सीजन 4 का ट्रेलर देखने के बाद में मेरे माइंड में यही आया था, और रोस्ट करने का काफ़ी टाइम से सोच रहा था लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक इतना ज़्यादा था, इतने ज़्यादा मतलब काम थे मेरे पास में कुछ अलग अलग वीडियोस को लेकर के, तो यार मैं इस पर कर नहीं पा रहा था, थोड़ा लेट आया हूँ क्या करूँ, हिंदुस्तान में कहा हुआ थे लेट आए दुरुस्त आए, इसकी माँ का देर आए दुरुस्त आए। तो यार आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन पे जाकर के लिखवाओ कि आपको वीडियो कैसा लगा है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक पे मैं वीडियोस लेकर के आता हूँ, कॉमेडी वीडियो है, रोस्ट वीडियो है, टेक वाइन से टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है, और मूवी रिव्यूज़ है, वेब सीरीज़ रिव्यूज़ है, बहुत लंबी लिस्ट है यार, अगर आप आने वाले वीडियोज़ को देखना चाहते हो प्लीज़ यार बेल का बटन भी दबा लो, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, साइन एंड हास्ता ला विस्ता। अरे यार इन लोगों के सामने ही चेंज कर लिया मैं, शिट भाई कपड़े की कमी है, ये निकालो तो अलग ये पहनो तो अलग, क्या करूँ अभी, हाँ एक ही दिन में दबा के मारना पड़ता है शूट।